आज हम एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। दरअसल एक शॉर्ट वेब ड्रामा है जिसकी स्टोरी काफी शॉर्ट है। अगर आप इसे खुद भी देखना चाहते हैं तो प्रिटी श्योर कि आपको मजा भी आए। प्रोडक्शन करवा दें तो हमारी फीमेल लीड का नाम है बोरेन, हमारा मेल लीड का नाम है पार्क जिमिन, नॉट फ्रॉम बीटीएस जिमिन। सेकंड फीमेल लीड दा जेंग एंड सेकंड मेल लीड यूनवू। यूनवू दरअसल एक क्लास प्रेसिडेंट है तो उसकी इमेज बहुत ज्यादा हाई है। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हमें एक ऑनलाइन ऐप के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। इसका नाम है टूटू। दरअसल एक ऐप है जिसमें आप ग्रुप्स बनाकर एक साथ ग्रुप चैट कर सकते हो और साथ में पूरे टाइम मतलब 24 घंटे एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हो कि वो कहाँ जा रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। और एक 24 घंटे ऑनलाइन ऐप रहता है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, बट इसमें एंटर करने के लिए आपको कुछ टिकट की ज़रूरत होती है, मतलब कोई एंट्री पास जो कि आपको अपने फ्रेंड से मांगना पड़ता है या फिर अपने फ्रेंड से कहना पड़ता है कि प्लीज़ मुझे इन्वाइट कर ले। हायरेम की फ्रेंड दा जेंग जो कि उसकी रियलिटी में फ्रेंड नहीं है, बस सिर्फ काम की फ्रेंड है। तभी दाजुंग कहती है कि तुम सभी मेरे फ्रेंड हो लेकिन तुम सभी ने मुझे अभी तक इनवाइट नहीं किया। हायरेम कहती है कि आई एम सॉरी, मेरे पास टिकट नहीं बचे थे बट मैं किसी से मांग कर तुम्हें ये सब देती हूँ। इसके बाद वो क्लास में शो ऑफ करना स्टार्ट करती है कि एक्स्ट्रा टिकट हो दाजुंग के लिए तो प्लीज़ दे दे। इसके बाद हमारी फीमेल लीड बोरेन के पास जाती है और कहती है कि हेलो, तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा टिकट है टूटू में जाने के लिए? तभी बोरेन कहती है कि मुझे नहीं पता, टूटू यूज़ भी नहीं करती, ये टाइम वेस्ट है और मुझे तो पता भी नहीं सब क्या होता है। अब इसका बच्चे बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। इसके बाद एक खबर सीधा टीचर्स तक पहुंच जाती है। यहाँ पे टीचर भी बच्चों को दिन दहाड़े मोबाइल यूज करते पकड़ते हैं और कहते हैं कि ये टूटू क्या है। यहाँ पर लड़कियां कहती हैं कि सर आप हमारी प्राइवेसी में से एंटर नहीं कर सकते। सियोबोरेन काफी सस्पिशियस है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। यही भी हमारा मेन लीड पार्क जिमिन काफी ज्यादा फेमस है। आज उसका बर्थडे होता है, यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड उसे महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं। हायरेम उसे कई सारे पैसे गिफ्ट करती है। आखिर अमीर बच्चों को पैसे गिफ्ट करना कहाँ से होता है, बस सही है पैसे का लेन देन करो और बात खत्म। लेकिन पार्क जिमिन को अपने बर्थडे पार्टी में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज वो अभी भी अपने डैड से काफी तकड़ी डांट सुनकर आया था बिकॉज उसकी हरकतें काफी खराब होती जा रही थी। इसको उसके डैड उससे अलग भी रहते थे, मतलब वो अपने घर पर अकेला है और उसके घर पर उसके साथ कोई भी नहीं है। इसके बाद अकेलेपन के मारे बेचारा क्या करता। इसके बाद ड्रंक होने के बाद वो टूटू पर बात करता है और वो टूटू के मैनेजर को है कि प्लीज आज मेरा बर्थडे है तो मुझे विश तो कर ही सकती हो। अब मैनेजर वाली बात कहाँ से आ गई। दरअसल मैनेजर वो है जिसने टूटू को बनाया है। यहाँ पर हम मैनेजर की बात करें तो सरप्राइजिंगली वो कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड बोरेन है जो कि क्लास में एकदम शांत रहती है बट घर जाते ही उसकी दुनिया कुछ अलग ही है। मतलब टूटू की मैनेजर हमारी बोरेन है। बोरेन ने दरअसल ये पूरा ऐप अपने हाई स्कूल क्रश पार्क जिमिन के लिए बनाया हुआ था। दरअसल वो जिमिन को बहुत ज्यादा पसंद करती थी बट उससे बात करने की जो हिम्मत है वो कहाँ से जुटाती। हम बता दें तो जिमिन उसके साथ एक बिल्डिंग में ही रहता है बट आज तक वो उससे कभी मिली नहीं। वो जिमिन के जाने के बाद ही लिफ्ट में एंटर करती थी ताकि उसका कभी सामना ना हो जाए जिमिन से और दोनों दूर दूर हैं। बोरेन यहाँ पर उसकी सारी बातें सुन रही थी और वो सोच तो रही थी कि क्या उसे विश करे। यहाँ पर वो धीरे से विश करती है, मतलब अपने मन में ही, पार्क जिमिन सुन नहीं पाता। इसके बाद बाहर जाकर उसकी कुछ लड़कों से फाइट हो जाती है। यूनवू क्लास प्रेसिडेंट बोरेन के पास आता है और वो उसे अपने साथ कुछ काम करने के लिए ले जाता है। यहाँ पर हम यूनवू की बात करें तो उसका इंटरेस्ट बोरेन में कुछ ज्यादा ही है, वो उसे पसंद करता है बट बेचारा आज तक कह नहीं पाया। क्लास प्रेसिडेंट है तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है। यहीं पर पार्क जिमिन भी क्लास में था। यहाँ पर उसके पास आज उसके एयरपोर्ट नहीं थे, बोरेन भी अपनी एयर वायर्स वहीं पर छोड़ गई थी। तब उसका फ्रेंड सजेस्ट करता है तुम जब तक ये एयर वायर्स यूज कर लो ना। यहाँ पर जिमिन कहता है कि वो हेलो मैं इतने चीप चीजें यूज नहीं करता, पर ठीक है मुसीबत है और काम भी है तो करना पड़ेगा। इसके बाद जब वो वायर्स को अपने कानों में डालता है सो सरप्राइजिंगली उसके सामने कुछ नई दुनिया खुलती है। उसे पता चलता है कि जो मैनेजर है वो हर किसी की ग्रुप चैट की बातें सुन सकता था। यहाँ पर उसे हर चैट की आवाजें सुनाई दे रही थी और उसे समझ में आ जाता है कि जो मैनेजर है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी सी सीधी सी बोरेन है। बोरेन जब वापस आती है तो वो डर जाती है और क्योंकि उसे उसका फोन नहीं मिला था, लेकिन अंदर वो उसे उसकी डेस्क में ही मिल जाता है। जब बोरेन वापस अपने घर आती है यहाँ पर वो जिमिन के जाने का वेट करती है बट आज जिमिन जाता नहीं है। वो उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि हाय बोरेन, तुम ही टूटू की मैनेजर हो ना, मैंने पता लगा लिया। तो ये बोरेन कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद अपने घर पर चली जाती है। यहाँ पर बोरेन अपने काम कर ही रही होती है तभी जिमिन उसे घर पर दस्तक देता है। हम बता दें कि बोरेन के घर वाले कुछ बोलते नहीं है, दरअसल उसके घर में कोई होता ही नहीं है कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो कहीं बाहर गए थे और बोरेन आजकल अकेली ही थी अपने घर पर। तभी जिमिन उसके घर में एंटर कर जाता है और कहता है कि हम दोनों एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं बट हमारी कभी बात नहीं हुई।
तो अब तुम मुझे सब कुछ बताओ कि आखिर तुम सब एक करती कैसी हो। तभी यहाँ पर बोरनी कहती है, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं कटा है जो कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं। पाक जीवन कहता है कि ठीक है, तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम ही टूटू के मैनेजर हो, मुझे पता है तुम्हें सेंटर में आना पसंद नहीं है। बोरन उसे सारी बातें बता देती है और कहती है कि ठीक है मैं सब बता रही हूँ। उसे सारे फंक्शन बता देती है, कैसे उसने टूटू को जनरेट किया, कैसे वो उसे ऑपरेट करती है और कैसे अभी तक टूटू काम करता है। तभी जिमिन कहता है कि क्या तुम कोई जीनियस हो, तुम्हारा आईक्यू कितना है? ओ नहीं, आइंस्टाइन हो क्या? तभी बोरन कहती है कि ये कोई मजाक की बात नहीं है, बस मुझे मन किया बनाने का तो मैंने एक ऐप ही बना लिया। ये नहीं है कि इस ऐप से सब कुछ अच्छा ही हो, यहाँ पर कुछ बंदे इसका यूज़ भी करते हैं, हायरेम जैसे। यहाँ पर दाजेंग हायरेम की फ्रेंड तो थी, बट हायरेम उसे एक नौकर से ज़्यादा कभी मानती ही नहीं थी। यहाँ पर दाजेंग का एक बॉयफ्रेंड भी बन चुका था जो कि हायरेम को पसंद नहीं आता, उसके बॉयफ्रेंड के सामने उसे जलील कर देती है। इसके बाद दाजेंग सोचती है कि ऐसे फ्रेंड से अच्छा तो मेरी कोई फ्रेंड ही ना हो। जिमिन और बोरन एक साथ काफ़ी ज़्यादा हैंग आउट करने लगे थे, बिकॉज अभी दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन गए थे, एक दूसरे के राज भी जानते थे। और बोरन को भी पता था कि पाक जिमिन की ज़िंदगी में क्या चल रहा था और वो कितना अकेला है, और उसके डैड से उसका 36 का आंकड़ा रहता है। वह यूनवू भी बोरन के पास जाने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर जब खाना खा रही होती है तो बोरन के पास आकर बैठता है, उसके हाथों पर अपने हाथों से क्रीम लगाता है और कहता है कि इसकी खुशबू का भी अच्छी आती है। पाक जिमिन से सहन नहीं होता, इसके बाद वो बीच में इंटरप्ट कर जाता है और कहता है कि मुझे बोरन से कुछ बिजनेस की बातें करनी है। तभी यूनवू कहता है कि तुम छोटे से बच्चे, तुम्हारा कोई बिजनेस है? तभी पाक जिमिन कहता है कि इट्स नॉट योर बिजनेस, तो हमारे बिजनेस में टांग अनाने की कोशिश मत करो मिस्टर प्रेसिडेंट, अपनी पोजीशन संभालो, इन क्लास में जाओ। तो ये बोरन कहती है कि ये क्या बात हुई, तुम जेलस हो? जिमिन कहता है कि मैं जेलस क्या होता हूँ। बोरन का क्रश तो यूनवो पर काफी पहले से था। इसके बाद ये दोनों शॉपिंग पर भी जाते हैं। यहाँ पे दाजुंग भी इन दोनों को नोटिस करती है, बिकॉज ये दोनों साथ ही जा रहे थे, साथ ही आ रहे थे। इसके बाद इनकी नज़दीकियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक दिन जब फिर से इन और बोरन एक साथ होते हैं, तो उससे पूछ लेता है क्या तुम मेरे साथ बाहर डेट पर चलना चाहोगी? बोरन कहती है तुम पागल हो क्या, मुझे नहीं जाना। इसके बाद जिमिन उसकी चेयर अपने पास खींच कर उसे किस करता है। यहाँ पर बोरन भी उसे डबल किस करती है। इसी के साथ उनकी फर्स्ट डेटिंग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। स्टोरी में ट्विस्ट तो अब आने वाला है। जब हम दाजुंग की बात करें तो उसकी हालत काफ़ी तक खराब थी। हायरेम उसे काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट करती है। यहाँ पर जब वो उसे स्मोक करने के लिए बोलती है तो दाजुंग मना कर देती है और कहती है कि वो नहीं करती। हायरेम कहती है पहले तो तुम करती थी। दाजुंग कहती है कि नहीं, मैंने छोड़ दिया। इसके बाद हायरेम से अपने मज़े के लिए दाजुंग को सभी के सामने काफ़ी जलील करती है, उसे स्मोक करने पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स करती है। दाजुंग कहती है कि मैं ये सब नहीं करती। जब उसे ज़बरदस्ती स्मोक कराया जाता है और उसे इतनी ज़्यादा बेइज्जती की जाती है, उसे मारा जाता है, तो इसके बाद दाजुंग से सब सहन नहीं होता। यहाँ पर टूटू पर भी उसके खिलाफ काफ़ी गंदे एंड काफ़ी अजीब अजीब बातें होती हैं। इसके बाद दाजुंग ये सब और सहन नहीं कर पाती। यहाँ पर वो मदद मांगने के लिए बोरन के पास भी जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बोरन ही उसकी मैनेजर है। तो ये बोरन कहती है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, ये टूटू है और इस पर ऐसा ही सब कुछ होता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगी, आई एम सॉरी। वो साफ साफ दाजुंग की मदद करने से मना कर देती है। दाजुंग इस बात से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। और इसके बाद हायरेम ने उसके साथ इतना कुछ कर दिया जिसे वो कभी अपना फ्रेंड मानती थी, आज वही उसका दुश्मन निकल गया। इसके बाद दाजुंग को कुछ भी रास्ता नहीं दिखता। इसके बाद वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है और इसके बाद इसका सारा इल्ज़ाम जाता है सीधा हायरेम पर। सभी उसे एक मर्डर की तरह ट्रीट करने लगे थे। हायरेम भी इसके बाद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैंने सब नहीं किया। मेरी क्लासमेट जो उसके खिलाफ कभी मुंह भी नहीं खोलती थी, वो आज उसे इस बात के लिए सस्पेक्ट कर रही है। इसके बाद वो सीधा बोरन के पास जाती है। यहाँ पर बोरन से कहती है कि सुनो, मैं सब जानती हूँ कि तुम ही उसके मैनेजर हो, तो जल्दी से वो वॉइस फाइल सब कुछ डिलीट कर दो जो कि मेरे बारे में सबूत बन सकती हैं। बोरन कहती है मेरा दिमाग खराब है जो मैं सब कुछ डिलीट करूंगी। तभी दाजुंग कहती है ठीक है, मैं जानती हूँ तुम और जिमिन डेट कर रहे हो, मैं सबको बता दूं, और जिमिन के पास्ट के बारे में भी और उसकी प्रेजेंट हालत में कि वो बनता है तो सुपर हीरो है, पर उसकी हालत भी बिल्ले की तरह है। बोरन इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जिमिन के लिए वो उसकी बात मान जाती है, लेकिन उसकी मिजाज ऐसे थे नहीं कि वो सारी बात मान जाएगी। हायरेम सोचती है कि उसने जंग जीत ली। इसके बाद अपनी फ्रेंड से बात करती है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि प्लीज़ ठीक है, तो क्या तुम उसकी मैनेजर हो, तो प्लीज़ हमारे भी वॉइस मैसेज डिलीट करवा दो ना, चूँकि हमने दाजुंग के बारे में बोले थे, कहीं हम भी ना पकड़े जाएँ। तभी वो कहती है कि ठीक है मैं करवा दूंगी। यहीं पर उसे अचानक से दाजुंग दिखती है। हायरेम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि हाँ मैं सोच ही रही थी, तुम इतनी जल्दी सुसाइड तो कर ही नहीं सकती। या फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या हुआ तुम्हें? यहाँ पर हायरेम दाजुंग से बात कर रही थी। दाजुंग कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बकवास इंसान हो, हमेशा से थी, और तुम्हें अभी भी बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, मैं इस दुनिया में भी नहीं हूँ। इसके बाद उसकी फ्रेंड दिखती है कि हायरेम के सामने तो कोई है ही नहीं, दरअसल वो सामने हवा से बातें कर रही है। इसके बाद उनकी फ्रेंड को लगने लगता है कि हायरेम तो सच में पागल हो गई है, और हम सच में बताएं तो हायरेम की दिमाग की हालत अब सही नहीं थी।
और उसे सच में दादियों के अब सपने से आने लगे थे। वोरेन भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी कि उसकी वजह से किसी की जान चली गई। ये भी जिमिन उसे समझाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से नहीं है, ये सब हमारे इन ऑनलाइन ऐप्स को गलत तरीके से यूज़ करने की वजह से है। तभी वोरेन को कोई रास्ता नहीं दिखता और टूटू को हमेशा के लिए हटा देती है, और टूटू नाम का ऐप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और अब वो मैनेजर है तो कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर लास्ट में इन दोनों को हम साथ में देखते हैं और वोरेन को उसी क्लास में। तभी वोरेन ने एक नए ऐप को लॉन्च करती है और इसके बाद हमें इस ऐप की न्यू जर्नी देखने को मिलेगी। शायद इसका सेकेंड सीजन भी आया होगा, बट अभी तक इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर जैसे ही आएगा तो मैं इसे एक्सप्लेन जरूर करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा या फिर मूवीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।